तो बेटो तुम जरा मेरे साथ चलो। जरा एक सेकेंड रुकोगी, मुझे कुछ बात करनी है, सिर्फ एक मिनट, ज्यादा नहीं। मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना, मैं बिना सोचे बाहर जा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि वो पुलिस को बुला सकते हैं। जूलियन ऐसा नहीं कर सकता। सही कहा, जूलियन ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, पर कोई है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है, पता है? ह्यूस्टन तुमसे प्यार करता था ना? नहीं, वो बस पसंद करता था। और प्यार ऐसा नहीं होता, किसी पर थोप नहीं सकते। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ही प्यार हो सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हारा पार्टनर था? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि यही सच्चाई है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, यही मायने रखता है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा और ये जानकर भी कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। कोबेतो तुम्हें बहुत चाहता है। देखो एस्परेंजा, इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं तो बस बता रही थी, मुझे तुम्हें एक चीज देनी है। जरा एक सेकेंड रुको, मैं देती हूँ। ये लो, मेरे पास ये ड्राइंग्स थी, इसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। यकीन नहीं होता ये बुक अभी भी है। मुझे लगा था ये खो गई है। हाँ, कुछ पुरानी चीजें संभली रहती हैं, जाती नहीं। मेरे दोस्त भी यही कहा करते थे। ऐसा क्यों? मैं इसे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। जितना वक्त चाहिए उतना लो। अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगी। कुछ भी पूछ सकती हो। कहाँ जा रही हो तुम? वॉक करने। मैं अपनी आजादी का मजा लेना चाहती हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? ओके, ठीक है, चलता हूँ। ए, तुम मुझे मारना क्या छोड़ोगी? तुम भी ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? फाइन। तो अब जब तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है तो क्यों ना हम दोनों, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बोलो। मजाक कर रहे हो? हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कबे तो मैंने पहले ही जूलियन के बारे में बता दिया है। और मैंने भी अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताई थी। और मैं जैसा तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया है। तुम एक कमाल की लड़की हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, तुम्हारी यही खूबी मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया। मुझे पता है तुम सब जानती हो। मिकेला, तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए यहाँ हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मैं केला सच कहूँ तो तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। क्या मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ? कैसी हो बेटी? क्या हुआ? मुझे
अभी अभी कुछ याद आया। क्या याद आ गया मिकैला? मुझे बताओ। मिकैला मेरी बात तो सुनो। मिकैला रुक जाओ। मिसेस जस्टिना मेंडोजा के रिश्तेदार कौन है? मैं हूँ, ये मेरी मॉम है। इनकी हालत काफी नाजुक है, इनके शरीर से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। ये बताइए ये बच तो जाएंगी ना डॉक्टर? देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कल सुबह तक ही पता चलेगा। आप इन्हें प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। मेरी बात सुनिए मैडम, उनके लिए जो हो पाएगा हम वो सब करेंगे, अपना ख्याल रखिए। मैं जल्द से जल्द गुआना के लिए निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इस कार को ढूंढना है और बोगोटा में अपने बेटे को। अच्छा? मैं उसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं, स्प्रिंजा। नहीं। इसमें बहुत ही खतरा है, मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे नहीं समझनी। स्प्रिंजा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं चलूंगी। स्प्रिंजा तुम समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं सुन रही हूँ, मुझे नहीं, नहीं ले जा सकता तुम्हें अपने साथ। हाँ, मुझे देखो, पता है। मिकैला आजाद हो चुकी है, तुम्हें उसके साथ रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? भूल जाओ, मुझे यकीन है कि मिकैला को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एक टीम है। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पुलिस तुम्हें मेरे साथ देख ले, ठीक नहीं। मुझे परवाह नहीं। क्या कहना चाहती है? तुम्हें किस बात की परवाह नहीं? मैं उससे बात करती हूँ। ओके, ठीक है स्पेंसर। हाय, क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ, दिखता नहीं। कहाँ जा रही हो? इसलिए तुम्हें क्या लगता है मुझे बचा लिया तो हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और मैंने सोचा, सोचो कि... मत करके दिखाओ। पर तुम्हें जब मौका मिलता है तुम जूलियन के साथ चली जाती हो। ठीक है, मैं सब समझ गई। मुझे लगा तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती जो मुझे पसंद ही नहीं करता। पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं जैसा मैं चाहती हूँ एस्पेरेंसा। पर वो कैसे? तुम कहती कुछ और करती कुछ और हो। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे जानना चाहती हो, लेकिन हमारे बीच तुम जूलियन को ले आई। हमारे बीच जूलियन नहीं है, और मैं चाहती हूँ तुम इस बात को अच्छे से समझ लो। देखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि एक वक्त मैं किसी एक के साथ ही रह सकती हूँ। मिकैला ने यह कहा कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। हम दोनों को साथ देखना उसे अच्छा नहीं लगता। जरा खुद को उसकी जगह रखकर सोचो, यह बहुत मुश्किल है, और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहा हूँ मैं? अपने मन की बात सुनो। तो मेरी बात समझो, मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरे साथ जाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। पर तुम मैं उसे ऐसे अच्छी क्यों तरह बात से कर जानता रहे हो? स्प्रिंजा वो मेरे साथ आने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरा ये मतलब तुम उसे नहीं जानते था। हो ना? हाँ, तो फिर क्या मतलब था? तुम उसे समझते हो ना? वो मेरी बेटी है। वैसे ये प्लान ही घटिया था। उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं जिसे पुलिस तलाश रही हो। तो बेहतर ही है कि तुम यहीं रहो और मैं वो करूं जो मुझे करना है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है।
गुड मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ लगता तो है। इसकी हीट बढ़ गई है क्या? समझ में नहीं आ रहा, लगता है वाटर टैंक पूरा फुल हो गया है। जरा मैं देखूं। हाँ देखो ना, इसका ये जो फैन केबल है इसमें प्रॉब्लम है, ये देखो ये ठीक से लगी नहीं है। अब जरा कोशिश करो। ओके मैं करता हूँ। हाँ ये रेडी हो गई। ओके बाय। सुनो कहाँ जा रहे हो तुम? गुआना जाना है तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो? बिल्कुल आओ बैठ जाओ। हो थैंक यू। मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ बैठो। मेरी जान, तुम्हें छोड़कर जाने में बहुत बुरा लग रहा है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता हूं और उन्हें पूरा करने का एक ही रास्ता है, अपनी बेगुनाही साबित करना। खुद गर्ज होने की माफी चाहता हूं पर आई लव यू। बेटा मेहमान के सामने ऐसा नहीं करते हैं। फिक्र मत करो, मेरा भी एक छोटा बेटा है, उसका नाम है सैमुअल। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हम पेरेंट्स शायद हमेशा अपने बच्चों की ही बात करते हैं ना? सही, पर वो है कहाँ? अपनी माँ के साथ। बहुत दिनों से उसे नहीं देखा। अगर तुम कहो तो मैं आज अपने चैम को स्कूल ले जाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? और इस तरह मैं उसके करीब भी रहूंगा और तुम्हारे करीब भी आ जाऊंगा। श्योर, ले जाओ। तुम्हारा कुछ प्लान है? वही जिम जाऊंगी, वापस आऊंगी, सैमी को पिक करूंगी। तो फिर साथ में लंच करें? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके लव यू सैमी। चलो शैम, आज तुम मेरे साथ स्कूल चलो, आ जाओ। नाइस बॉय। बाय बेटा। आज दोनों साथ में स्कूल जाएंगे और रास्ते में मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी कहानियां सुनाऊंगा ज़ॉम्बीज को मारने के बारे में। हाँ, ज़ॉम्बीज की कहानी मुझे अच्छी लगती है। अरे वाह क्या बात है, चलो कार में बैठो। तुम मारियाना पर नजर रखना ठीक है, पल पल की रिपोर्ट मुझे देना। जैसा आप कहें। मिसेस मारियाना कहाँ जाना है आपको? प्रोसिक्यूटर के ऑफिस। थैंक यू एजेंट। मरियाना आने के लिए थैंक्स। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरियाना मैं बेकसूर हूँ, इस गबन में मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उस औरत इरियाना मेंडोज़ा को जानता हूँ। तो क्या तुम विक्टिम हो? मुझे लगता है इन सब के पीछे उस रिकार्डो का ही हाथ होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हा? जब ऑर्डर्स ने ऑडिटिंग की थी तो रिकार्डो ने मुझे आपके हस्बैंड का साथी बना दिया था और सिर्फ उसके पास पैसे थे सारी खरीदारी करने के लिए। पर सभी बिलों पर तो तुम्हारे साइन थे, इसलिए तुम इसके जिम्मेदार हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? नहीं, उन्होंने कंप्यूटर से सारा बैकअप मिटा दिया था। ये सही कहा, अच्छा बहाना है। एक्सक्यूज मी मरियाना, वो रिकार्डो ही था जिसने मुझे तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए कहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, स्टाफ कम होने की कोई वजह नहीं थी, मुझे बस उसका हुक्म पूरा करना था। रिकार्डो ऐसा क्यों करेगा? मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा होगा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे हस्बैंड की कहानी दोहराई जा रही है इसलिए मैंने मदद करने के लिए कॉल किया था। मिसेस मरियाना,
क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मैडम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं मदद करूं। प्लीज घर चलो और रिकार्डो को मत बताना कि हम यहाँ आए थे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रिकार्डो सर से कह दूंगा कि आप रोज की तरह जिम गई थी एक्सरसाइज करने, आप घबराइए मत। निकेला, हाँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे पता नहीं था तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं आजाद हूँ पर तुम नहीं। ओके, तुमने अपनी माँ को कहा था कि हमारे साथ नहीं आना चाहती? हाँ, तुम दोनों के साथ नहीं पर तुम्हारे साथ चलती। तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम कहाँ जा रही हो? हाँ बताया। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। यकीन नहीं होता, वो मेरे पास थी पर अब दूर चली गई है। अब मैं क्या करूं? देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा क्योंकि... बोलो, क्या बात है, बोलो ना। मैं क्या कहूँ, देखिए वो मिकेला जूलियन को चाहती है। कैसी हो स्प्रिंजा? गुड मॉर्निंग, कब बैठो? कैसे हैं आप? मैं यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आया हूँ, मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। मुझे कोई नहीं दिख रहा। संभल के, संभल। उस औरत का नाम क्या था? जस्टिना, मुझे उसकी बेटी का नाम तो नहीं पता और ना ही उस आदमी का पता है, और पिछली बार जो कार वहां थी वो भी नहीं है। निकेला, निकेला, निकेला। कौन हो तुम? रुको रुको, चलो चलो जल्दी आ जाओ। चोर, आ जाओ। एंटीनो आओ, घर में चोर आया है। ए रुक जाओ। रुको 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 रुको, तुम हमें ले जाओगे आगे? मेरी मदद करो। तुम ठीक हो? हाँ। ये क्या मिला तुम्हें? देखो, एलएसीओ होटल बोगोटा, जस्टिन मेंडोजा। अगला पड़ाव बोगोटो। नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्या मतलब है? मैं अकेला वहां जाऊंगा, तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना होगा। ना रहना चाहूं तो?
देखो तुम जो चाहे वो करो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, समझी? नहीं, मैं नहीं समझी। ठीक है तो मैं समझाता हूँ। मैं वहाँ अकेला जाऊँगा, समझी? और तुम वापस अपनी माँ के पास जाओगी। तुमने फिर से उसे फंसाया है निकेला। तुमने उसके सामने शर्त रखी है, उसने तुम्हें चुना क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है निकेला। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम उसे बता दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, हमारे बीच कुछ नहीं है, अपना भ्रम निकाल दो, समझी? वो उस आदमी को पकड़ नहीं सकते जिसने मेरी माँ को मारा है? क्या उन्हें होटल के सिक्योरिटी कैमरा में कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। ये बताओ, क्या तुमने ड्राइवर का चेहरा देखा है? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। पर क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानती हैं जिनकी आपके माँ के साथ दुश्मनी हो? जवाब तो दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारियाना की माँ को कॉल करूंगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते हो वो मेरे कब्जे में है। तुम संभल कर रहना इसकार, क्योंकि जूलियान ने जो किया, अगर वो मैं करता तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा हाल क्या होता। नहीं नहीं, मेरी माँ का और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कैविडिस, तुमने खाना खाया? जी, खा लिया। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। दरवाजा खोल दोगे? एक्सक्यूज मी। अंदर जाओ। एक्सक्यूज मी, कैसी हो मारियाना? लेफ्टिनेंट रिकार्डो घर पर नहीं है। मैं उससे नहीं, तुमसे बात करने आया हूँ। कर सकता हूँ? जरूर, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तुम रिकार्डो के साथ कितने टाइम से हो? करीब एक महीने से उसके साथ रह रही हूँ। पर तुम लोगों का रिश्ता कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट? क्या तुम तब से साथ में हो जब तुम्हारे हस्बैंड, माफ करना, तुम्हारे एक्स हस्बैंड जेल में थे तब से? या आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा था तो मैं समझ सकता हूँ। अक्सर दोस्त नजदीक आ जाते हैं और हालात के मुताबिक वो दोस्त से ज्यादा कुछ और भी बन जाते हैं, है ना? मुझे पता है तुम अच्छे दोस्त हो कैमियला, रिकार्डो और जूलियन। देखिए लेफ्टिनेंट, मैं आपको अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, और वैसे भी ये पूछताछ का हिस्सा नहीं है। ये पूछताछ का हिस्सा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, बेशक तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा रेमिरेस के साथ? वो मेरे एक्स बॉस थे। तुम उससे मिलने वहां क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। उसका फोन क्यों आया था? वो जानना चाहते थे कि मेरे पास उनकी फाइल्स का बैकअप है या नहीं। रेमिरेज ये साबित करना चाहता है कि वो बेगुनाह है, उसका उस गबन से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ? क्या तुम्हारे पास फाइल की कोई कॉपी है जिससे हमें केस में मदद मिले? मेरे पास नहीं है, क्योंकि कंपनी में मेरा वो काम नहीं था। और अगर लेफ्टिनेंट आपका काम हो गया हो तो मुझे जाना होगा। ठीक है, शुक्रिया मारियाना, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू। क्या बात हुई अंदर, कुछ पता चला क्या? रेमिरेज ने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जो कुछ भी किया उससे मारियाना का कोई लेना देना नहीं है। यह औरत प्राडीला को बचा रही है।
कहाँ थे तुम? बोलो, करती कुछ हो, कहती कुछ हो? मुझे इससे बात करनी है, प्लीज। कुछ कहना चाहती हो तुम? हाँ, बताओगी कि ये चल क्या रहा है? कि मुझे यहाँ नहीं रहना, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है बेटा। पर मेरे लिए सबसे खास जूलियन है, और देखा जाए तो तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यह कि जिस दिन से तुम आई, जूलियन के साथ मेरा जो भी था खत्म हो गया। मिकेला, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये तुम कैसे जानती हो? तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना? पर मैं ये कह रही हूं कि तुम गलत समझ रही हो, तुम गलत समझ रही हो। तुम ही हो एस्परेंजा जो मेरी बात नहीं समझ रही हो। क्यों बताओ मुझे, क्या नहीं समझ रही हूं? हाँ बोलो, बताओ क्या है, बताओ बताओ ना। यह है कि मुझे जूलियन से प्यार है, और उसे भी है, पर यह बात वो तुमसे नहीं कह पा रहा है, क्योंकि तुम दुखी हो जाओगी। अगर तुम जूलियन से प्यार करती हो, मतलब तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। हम दोनों साथ साथ घूमे हैं, और उस वक्त कई सारी चीजें हमने साथ में की है। ये बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं होता। पर हम दोनों साथ साथ हैं। उसने मुझे हक भी किया था। क्या चल रहा है? मिकेला तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त के बारे में बता रही है। और तुमने यकीन कर लिया? तुम लोग साथ में थे? उसने ये सब कहा? उसने ये सब कहा? झूठ हाँ, बोलना बंद करो मिकेला। मेरी बात सुनो प्लीज। कुछ दिन हम रेफ्यूजी कैंप में थे और एक साथ थे बस, और इसके सिवा कुछ भी नहीं था। पर हम दोनों साथ साथ भी तो थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मिकेला, ओके? तुम्हारे झूठ से मैं तंग आ चुका हूं। क्यों कर रही हो ऐसा? और वो किस? कौन सा किस मिकेला? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सच कह रहा हूं। पैत्रिका की मौत के बाद मैं बहुत टूट चुका था, मैं बहुत पीने लगा था, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारी बेटी बीमार है। इसका मतलब मैं पागल हूं? अफसोस की बात है मिकेला कि तुम बहुत कंफ्यूज हो। मैंने बार बार तुम्हें माफ किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड के साथ आखिर क्या हुआ था। नहीं, अब क्या हुआ था मेरे डैड के साथ? कुछ नहीं हुआ था। अभी इसने कहा मेरे डैड को कुछ कहा हुआ ना था। कुछ नहीं हुआ था। तुम जाओ, मुझे इसे अकेले में बात करनी है, तुम जाओ। सुना नहीं? क्या मुझे बताओगी? आ, आ,
मैं जा रही हूँ। रुको 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 प्लीज। मैं सब बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बुरे सपने आते हैं और तुम्हें ये नहीं पता था कि वो सच है कि नहीं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम ये कहना चाहती हो मैं पागल हूँ तो। नहीं नहीं तुम पागल नहीं हो। जिसे तुम्हें प्यार करना चाहिए था उसी ने धोखा दिया। मेरे विश्वास का गला घोटा, अपना होकर भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। साफ साफ कहो, मैंने तुम्हें हमेशा बचाया, हमेशा बचाया। तुम मेरे लिए खास हो। जिस दिन रमीरो की मौत हुई थी उस दिन मैं जल्दी घर आ गई थी। वो तुम्हारे कमरे में था। मैं कुछ नहीं कर पाई बेटा। मैंने देखा कि वो तुम्हें छू रहा था। ये सब मेरे सामने हुआ। छू रहा था मतलब? वही जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस बात को ना समझने के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी बेटा। तुम कहना चाहती हो मेरे डैड मेरा फायदा उठा रहे थे? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। नहीं थे बेटा। मैं क्या करूं? मैं केला। खेला देखो, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो वो तुम्हें झूठा समझेगी और बाकी सब भी, और तुम ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? बेटा मिकेला, बेटा मैं आ गई। बेटा कहाँ हो? मिकेला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? वो डैडी क्या?
डैडी ने तुम्हें डांटा? बताओ मुझे। नहीं, 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 डैडी ने नहीं। मैंने उसे उसके डैड के बारे में बताया, पर उस हादसे के बारे में नहीं बता पाई। मुझे लगता है ये बताने का सही वक्त नहीं है। ये बिल्कुल सही वक्त है, ये सही वक्त है इस प्रिंजा, तुम बहुत कंफ्यूज हो। वो बहुत दुखी है और तुम्हें उस पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, उसने झूठ बोला है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे हजारों बार समझाया कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो क्या वो उसकी सोच है? अब तुम मुझसे सवाल करोगी? मिकेला, तुम ठीक हो? कहाँ जा रही हो? मैं सब समझ गई हूँ। एंड ट्रस्ट यू। तुम्हें बचाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम मेरी बच्ची हो। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम बहुत छोटी थी और मुझे लगा तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। अब समझ आया, अगर कोई यकीन ना करे तो कैसा लगता है। मैंने तुम पर यकीन किया पर तुमने नहीं। ये तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है जब बचपन में डैड ने मेरे साथ वो सब किया और मैं तुम्हें बताती पर तुम मेरा यकीन नहीं करती। नहीं, तुम बहुत छोटी थी, बहुत डरी हुई थी, तो मुझे कह नहीं पाई। पर अगर तुम मुझे बताती तो मैं जरूर यकीन करती। बेटा, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मुझ पे भरोसा रखो बेटा। तो अब मुझ पर क्यों यकीन नहीं कर रही हो? मिकेला, तुम समझ रही हो कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? एक बात कहूं, जूलियन पर यकीन करो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे बिना बिताई है और आगे भी बिता सकती हूं। करो यकीन इसका। मिकेला मत जाओ, प्लीज भरोसा करो। मिकेला, अगर ऐसा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसके साथ चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे को ढूंढूंगा। मैं
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने इस प्रिंजा से जो कुछ कहा उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? मुझे माफ कर दो। हटो जूलियन। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सच कह रहा हूं, तुम बीमार हो गई हो मिकेला। तुम बातें क्यों नहीं समझती हो? मैंने हर बार तुम्हारी मदद करने की कोशिश की लेकिन बार बार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी भी एक लिमिट है। मुझे माफ कर दो, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते जूलियन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ जूलियन। तुम चाहती हो मुझे? किसी को चाहना है, किसी को प्यार करना है, क्या होता है तुम क्या जानो मिकेला? मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तुम मुझे इस प्रिंजा से अलग करना चाहती हो ना? तो एक बात सुन लो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, चाहे तुम्हें मेरी कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। मंजूर है ना?